इफ के एग्जांपल्स की हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने जनरली हम लोग सीरियल नंबर देते हैं तो 1 2 लिखते हैं, या फिर हम इसमें +1 कर देते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये हमारा सीरियल नंबर जनरेट कर देता है। लेकिन हम सीरियल नंबर चाहते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि हमने यहाँ पे अगर बोल दिया कि मुझे 10 तक का ही सीरियल नंबर चाहिए तो ये 10 के बाद का सीरियल नंबर ना बनाए। मैं चाहता हूं कि मेरा सीरियल नंबर जो यहाँ पे हम डालें वही आना चाहिए, तो जो नंबर डालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे हम बहुत इसका यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ अगर इसमें हमने +1 किया तो +1 करने के बाद अगर वो ग्रेटर देन 10 होता है तो यहाँ पे कुछ ना दे। कुछ ना मतलब कि हमने ब्रैकेट को स्टार्ट किया, इन्होंने कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क को स्टार्ट किया और हमने स्टॉप कर दिया, तो ये आप देखेंगे कि ब्लैंक हो गया। तो हमने बोला कि अगर a2 + 1 इज ग्रेटर देन c1 तो ये आपका ब्रैकेट को स्टार्ट ऑन कर दे, अदरवाइज इसमें +1 कर दे। और फिर इसको नीचे ड्रैग करने से पहले हमें इसको फ्रीज करना पड़ेगा ताकि c1 c3 ना हो, और फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे। तो यहां देखिए 10 तक का ही बना, अगर मैं 12 कर दूं तो 12 तक का बनाएगा, अगर मैं 5 करूं तो 5 तक का ही बनेगा। लेकिन यहां पे देखिए क्योंकि हमने हमें पता नहीं कि कितना लिखेंगे, तो एक एस्टिमेट लोकेशन पे हम इसको डाल देते हैं, तो एस्टिमेट लोकेशन पे नीचे तक आ गया। मैं चाहता हूं कि ये एरर ना शो हो, तो एरर अगर ना शो हो तो इसके लिए यहां पे हम फॉर्मूला डाल देते हैं इफ एरर का। हमने बोला कि इसमें अगर ब्लैंक हो तो यहां पे, तो इफ एरर काम क्या करता है, इफ एरर भी लॉजिकल फॉर्मूला है। अब इफ एरर नया फॉर्मूला हम यहां सीख रहे हैं, तो इफ एरर फॉर्मूला क्या करता है कि अगर आपका फॉर्मूला एरर देता है, अगर आपका फॉर्मूला एरर देता है तो उसके जगह पे कोई नई फॉर्मूला या कोई नई वैल्यू या उसको ब्लैंक वगैरह करने के लिए काम करते हैं इफ एरर का। जब इफ एरर नहीं था हम लोग इफ के साथ इज एरर का इस्तेमाल करते थे। तो यहां पे देखिए अगर मैं यहां पे अगर 15 देता हूं तो 15 तक, 20 देता हूं तो 20 तक हो जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ स्टॉप वैल्यू है, बट स्टार्ट तो 5 1 से ही हो रहा है, तो हमें स्टार्ट का भी देना चाहिए। मैं चाहता कि 5 से 20 तक होना चाहिए, जहां पे हमने पहले स्थान पे जो मैनुअल 5 लिखा हुआ है उस 5 पे अपनी स्टार्ट वैल्यू को लिंक कर दीजिए। तो अब आपका स्टार्ट टू एंड होगा कि मुझे 10 से 20 चाहिए, 10 से 20 या 10 से 25 चाहिए, तो 10 से 25 का आपका सीरियल नंबर यहां आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, वीर सिंह जी और बाकी लोग जो है? हेलो, कोई डाउट इसमें सर आप लोगों को? नहीं होना चाहिए।